नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। सो यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है डायरेक्टली फ्रेंड जो है तिगुना क्योंकि तीन गुना दोस्तों इंक्रीज हो गया। आज आपको हम बताने वाले हैं कैसे इतनी हाई लिमिट इंक्रीज हो गई, आपका भी लिमिट इंक्रीज हो सकता है। बट आपको हम कुछ तरीका बताने वाले हैं, कुछ ट्रिक बताने वाले हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 100% इंक्रीज हो सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि इनकी लिमिट ज्यादा नहीं थी, मात्र 50,000 प्लस मतलब कि 53,000 के समथिंग थी और इन्होंने एक ईमेल किया नोडल ऑफिसर को और इनकी लिमिट डायरेक्टली 2,00,000 के समथिंग हो गई। एक प्रकार से तीन गुना इनकी लिमिट इंक्रीज हो गई और इन्होंने साथ में बैंक स्टेटमेंट भेजा था। कोई इनका हाई सिविल स्कोर भी नहीं था जो कि 750 के ऊपर ऐसे प्लस ऐसा कुछ भी नहीं था, समझो कि 750 के नीचे ही था। बट इनकी इतना कोई खास ट्रांजेक्शन ओनली एक रिकॉर्ड था, अपने आप में इनकी लिमिट इतनी हाई हो गई। तो सो आज आपको हम बताएंगे कि आप कैसे अपने लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये हमारे ट्रिक को फॉलो करते चले आ रहे हैं करीबन 1 से 1.5 साल से और जो तरीका मैं बताता हूं इस चीज का ये पालन करते चले आ रहे हैं, यही कारण कि इनकी लिमिट हाई हो गई। तो सो अगर आपको अपना लिमिट इंक्रीज करना है एक्सिस बैंक का तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड। ओनली अपने अकाउंट में आपको एक फिक्स अमाउंट मंगाना है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अपने अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट मंगाना है और वो अमाउंट आपका मल्टीपल हो, 1 मंथ से लेके 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाए और नोडल ऑफिसर को आपको वो स्टेटमेंट भेजना है कि मेरे अकाउंट में इस टाइप के पैसे आते हैं एनएफटी चेक से और वही स्टेटमेंट के बिहाव पे आपकी लिमिट 100% इंक्रीज हो सकती है फ्रेंड। और आपकी लिमिट दोस्तों ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है, इसमें एक खास बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले से हर मामले में पीछे हो बट एक मामले में काफी हद तक अच्छा है, अगर किसी की लिमिट इंक्रीज करता है तो 10,000, 5,000, 20,000 नहीं करता है, डायरेक्टली 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे करके करेगा, जो कि ये काफी हद तक अपने आप में अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको लिमिट इंक्रीज करना है तो इस ट्रिक को आप फॉलो करें। दूसरा तरीका आपको और बता रहा हूं, अगर आईटीआर है तो आप अपना आईटीआर साथ में बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दो, तब भी आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। काफी लोग जो है मेल करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास जो है इनकम प्रूफ का मांग किया जा रहा है, मैं क्या दूं? आपसे इनकम प्रूफ का मांग किया जा रहा है, आपको उसके स्थान पे एक अच्छे से ईमेल लिखना है। डियर एक्सिस बैंक टीम, मैं काफी टाइम से आपका कार्ड यूज कर रहा हूं, मेरे पास अदर बैंक भी कार्ड है, मेरे पास इस बैंक के लोन था, एक बार मेरा सिविल चेक कर लीजिए, सारे EMI टाइम से पेमेंट करता हूं, मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर शॉपिंग करता हूं, लिमिट कम पड़ जा रही है, सारी चीजें आपको उनको एक्सप्लेन करना है, इसके बिहाफ पे खुद ही आपके लिमिट को इंक्रीज करने के लिए प्लानिंग करेंगे, साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट देना है, अदर बैंक कोई कार्ड है तो उसका स्टेटमेंट भी आपको दे देना, आपसे इनकम प्रूफ की मांग नहीं होगी, आपकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। बहुत आसान तरीका, मैंने काफी लोग करवाया है, आपका भी होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सही तरीके से आपको ईमेल करना है। तो आप बताना किसकी लिमिट हाई इंक्रीज हुई कमेंट पर जरूर देना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।